अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं असदुल्ला। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड्स एंड एनिमल लाइफ में। फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर जो है जावेद भाई के बर्ड्स के सेटअप पर आया हुआ हूं। तो यहां इनके पास जो है काफ़ी तादाद में बर्ड्स, इनके पास डिफरेंट वैरायटीज़ के जो बर्ड्स हैं वो भी मौजूद हैं। और इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है, क्या लाजवाब सेटअप है। तो आज इनके जो बर्ड्स के सेटअप का विज़िट भी करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स अगर घर में या घर के साथ कोई अगर बर्ड्स का सेटअप लगाना चाहता है तो उस पर जो है कितना खर्चा वगैरह आ सकता है, या कितनी जो है उसके लिए आपको जगह चाहिए सेटअप बनाने के लिए, और उसके बाद जो है आप कमरे जो हैं वो किस तरह बनाएं या जंगला किस तरह बनाएं। आप देख सकते हैं कि मुसलसल आप ये यहाँ तक जो है बर्ड्स का सेटअप जावेद भाई ने बनाया हुआ है। तो इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं सब मालूमात इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। जावेद भाई, आपने जो ये सेटअप बनाया है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सेटअप बना हुआ है, तो ये कब से बनाया है? तकरीबन कितनी दिन हो गए आपको, कितना अरसा हो गया इनको बनाया हुआ? तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है जी। ये मैं 5 पेयर लेके आया था जी। ये 5 पेयर से ये तकरीबन ऐसे के मैं तकरीबन 20 पेयर सेल भी कर चुका हूँ। ये 30 पेयर अभी भी मौजूद है मेरे पास। इनकी ग्रोथिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी तेज ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी तेज़ ब्रीडिंग है इसकी। ये तकरीबन ये कह रहे हैं हम 1.5 महीने के अंदर ये बच्चा बड़ा भी हो जाता है, दूसरी फीमेल एग ले करना भी स्टार्ट कर देती है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जावेद भाई आपका सेटअप। आप बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपका सेटअप देखकर। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोस्तों से कि गुजारिश करूँगा कि आप जो है ऐसा अगर घर में सेटअप बनाना चाहें तो जो है यहाँ पर कमेंट्स में आप बताएं, हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा वगैरह आ सकता है सेटअप पर, और ये बल्ब जो है ये कहाँ से मिलते हैं, और उनकी मेडिसिन या खुराक के बारे में भी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल बर्ड एनिमल लाइफ को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच सके। जी दोस्त, मैं मल्टीविटामिन आजकल बारिशों में ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया। मौसम ठंडा गर्म हो तो उसके हिसाब से भी आप खुराक चेंज करते रहते हैं? जी जी, इसको अगर सर्दियाँ हो जाए ना, इसके अंदर मैं फेशियल कैप्सूल वगैरह मिक्स कर देता हूँ ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि ये डव है, ये गर्मियों का परिंदा है, ये गर्मियों में ज़्यादा ब्रीड करता है, बारिश में सर्दियों ये अब थोड़ी गर्मी है इसलिए ब्रीड करते हैं, बारिश की वजह से डिस्टर्ब है, बाकी ये सारे खाने बच्चों में बारे होते हैं। अच्छा, ये आप अपना जो यहाँ से सेटअप आपने लगाया हुआ है तो तकरीबन इसका अंदाज़ा मैक्सिमम कितना खर्चा आ गया होगा आपका? ये सारा घर में अगर बनाया तो ये कितना खर्चा? ये सारा तकरीबन बाहर निकल कर मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा सेटअप है ये, तकरीबन 50-60 फीट लंबा सेटअप है और ये 20 फीट चौड़ा है। ये काफ़ी खर्चा है इसके ऊपर, ये उस दिन तो हमने सीमेंट नहीं लगाया था, तकरीबन ये 3-4 लाख। अच्छा, पहले आप जो है इसके बल्ब मतलब पेयर जो लेकर आए थे, ये मैं मुख्तलिफ़ वैरायटी लेके आया हूँ अभी, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कॉमन वाइट आप देख सकते हैं और इसमें ग्रे भी देख सकते हैं, और वाइट पेयर और कुछ वाइट के पेयर मैं लेके आया हूँ मिक्स पेयर। तो ये माशाल्लाह से ये तकरीबन मेरे पास 1 महीना हो गया मैं लेके आया हूँ। ये जावेद भाई चिक्स लेकर आए थे, आप ये फुल ब्रीडर हैं या मतलब अभी चिक्स हैं? अडल्ट पीस लेके आया था, ये ब्रीड स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे। ये इस टाइम आपके पास मेल और फीमेल कितनी तादाद में तकरीबन मौजूद है? मैं लेके तो पेयर आया था, ये तकरीबन अभी मेरे ख्याल में मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। अच्छा, ये अभी तकरीबन जो थोड़े अडल्ट से मतलब इतना डिफरेंस नहीं हो रहा था, कोई मेल फीमेल का फर्क नहीं महसूस होगा, तो ये तकरीबन मेल ही निकले हैं। अच्छा, ये वैरायटीज कौन सी है? जी ये क्रीम काकटेल और इसके अलावा वाइट काकटेल, वाइट केस, इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी इसके अंदर म्यूटेशन होती हैं। जी जी जी, इनो होती है। अच्छा, बाजार से इजीली मिल जाती जी, है? जी जी, इजीली मिल जाती है। ये इसके अंदर वो मिक्स किया होता है, सूरजमुखी का बीज मिक्स किया होता है और भी 2-3 चीज़ें मिक्स की होती हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये मैं मिक्स बीज लेके आया हूँ। इसके अंदर बाजरा नहीं है, ये आप बाजरा नहीं डाल रहा, ये बाजरा आप डालें तो वो भी डलवा लें। ये मैंने ज़रा फैंसी बनवाई, खुद ही बनवाई है मैंने। ये कॉकटेल की यानी इजीली खुराक है, ये आराम से खा सकते हैं। जी जी, सही है। ये देखिए दोस्तों, जो जावेद भाई जिस टाइम आप देख सकते हैं कि कॉकटेल इस टाइम माशाल्लाह जो है ज़बरदस्त सेहतमंद जो है, इनके पास ये बल्ब मौजूद हैं आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, इन्होंने अपने सेटअप पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम जो बनाया हुआ है, आप सेटअप का भी विज़िट कर सकते हैं। सेटअप देखें जावेद भाई का, जो माशाल्लाह जाली वगैरह लगाई हुई है और नहायत ही ज़बरदस्त जो है इन्होंने निज़ाम किया हुआ है।
तो दरख्त वगैरह भी लगाए हुए हैं, सब्जा भी लगा हुआ है। भाई ये बल्ब जो आपने रखे हुए हैं तो तकरीबन ये आपने बनाया हुआ है तो इसका एक बॉक्स का यानी कि एक सिस्टम का साइज तकरीबन कितना होगा आपने ये बनाया है? ये चौड़ाई में 20 फीट है, लंबाई तो आपको मैं दिखाऊंगा बाहर जाके, लंबाई जो है कि यहाँ से यहाँ तक ये तकरीबन 20 फीट है। 20 फीट जी, 10 फुट आप ये देखें, ये जाल लगा हुआ है यहाँ, ये 10 फीट का और 10 फीट का ये जंगला है और 10 फीट का अंदर आपने रूम बनाया हुआ है। जी ये 20 फीट मुकम्मल इसकी चौड़ाई है। अगर आप इस तरफ चौड़ाई देख लें, इस तरफ ये तकरीबन 8 फीट, तकरीबन 7 से 8 फीट चौड़ाई है और 20 फुट तकरीबन लंबाई है। जी जी, ये यानी कि बल्ब के रखने के लिए तकरीबन इतना मैक्सिमम होना चाहिए। जी जी, ज़्यादा बल्ब क्योंकि मैं प्रोजेक्ट ज़्यादा बल्ब रखने के लिए मैंने ये बनाई है। जी जावेद भाई, अच्छा ये सेटअप आपने लगाया हुआ है, दरख्त वगैरह माशाल्लाह लगाए हुए हैं, तो इसमें बल्ब को परेशानी किसी किस्म की नहीं होती होगी? तो कानूनी कैसी बनाई है जावेद भाई? कानूनी आप देख सकते हैं, इनकी तादाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये इस टाइम कितनी तादाद में सिस्टम मौजूद है? मुझे लगता है अभी जिन 50-60 प्लस है तकरीबन। जी जी, इतने 50-60 प्लस है, ये आप देख सकते हैं। जी जी, ये कॉलोनी भी आपने बहुत ही बेहतरीन बनाई। कितनी किस्म की वैरायटीज की फ्रेंचाइज रखी हुई है? ये मुख्तलिफ म्यूटेशन है इसके अंदर, मुख्तलिफ हैं, यानी 5-6 वैरायटीज मौजूद हैं इस टाइम आप? जी 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 सर, 5-6 जी कॉलोनी में इस टाइम आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। तो इसमें जो है ब्रीडिंग का सेटअप जो है वो बहुत मज़ेदार है, आप देख सकते हैं इस टाइम जो कॉलोनी उन्होंने जावेद भाई ने बनाई हुई है। कॉलोनी में इस टाइम एग्स भी मौजूद हैं और चिक्स भी मौजूद हैं, तो ये फिंचेस का जो है बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप है। अच्छा, ये सेटअप से भी विजिट करते हैं और इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि जो बल्ब इन्होंने रखे हुए हैं उनकी खुराक वगैरह के बारे में पूछते हैं और इनके जो यहाँ पर सेटअप में इन्होंने लगाए हुए हैं सारे सिस्टम कूलिंग वगैरह उनके बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल बर्ड एंड एनिमल लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि इस तरह की मैं वीडियो जो है आपको अपडेट करता रहूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जावेद भाई से, इनसे पूछते हैं कि इनके जो है सेटअप पर इस टाइम कौन से बोलते हैं। वालेकुम, जो कॉलोनी के अंदर हम मौजूद हैं, ये फीचर की कॉलोनी है। जल्दी अच्छे मैंने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल माहौल दिया जाए, तो ये नेचुरल माहौल में ज़्यादा अच्छी। ये देखें दोस्तों, इस टाइम जावेद भाई ने जो है इस खुराक डाली है फिंचेस को, फिंचेस नीचे उतर रही हैं खुराक खाने के लिए। तो पूछते हैं जावेद भाई से कि इस टाइम इस जैसा कि मौसम ऐसा खुशगवार हुआ हुआ है, तकरीबन बारिशें भी हो रही हैं, तो जावेद भाई क्या खुराक इनको दे रहे हैं आप जो है हमें बताएंगे आप? इनको अब तो मैं देसी कंगनी दे रहा हूँ। अच्छा, देसी कंगनी, वो इनके लिए बेस्ट होती है? जी जी, अच्छा, इनके लिए वही खुराक होती है ज़्यादा बेस्ट। जी जी, और इसके अलावा मल्टीविटामिन अभी कोई यूज़ नहीं कराएगा बारिशें की वजह से। जी जी बिल्कुल, तो अब इंशाल्लाह ब्रीडिंग सीजन अब स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये तकरीबन गर्मियों में ज़्यादा ब्रीड करती हैं या मतलब सर्दियों में? सर्दियों में जो ही अब ब्रीडिंग स्टार्ट हुआ है, गर्मी में ब्रीड ज़्यादा नहीं करती हैं। जी, अगर माहौल दिया जाए नेचुरल माहौल तो ये ब्रीड करती है। कोई पेयर कुछ ब्रीड कर चुका है गर्मी में, लेकिन अब ब्रीड स्टार्ट अब हो रही है। अच्छा, तो तकरीबन इस टाइम आप ये जो आपने खुराक इनको दी है, तो पानी ये मौसम की वजह से इस टाइम तकरीबन 2 से 3 एग्ज इस टाइम ले किए हैं, वरना 6 से 7 की तादाद में एग्ज ले करती हैं। फिर आप देख सकते हैं इस टाइम, तो जावेद भाई ये कितने पीरियड में इनके चिक्स निकल आते हैं? ये तकरीबन 12 से 14 दिन के अंदर। 12 से 14 दिन के अंदर? जी जी, अंडे से बच्चे निकल आते हैं। अंडे से बच्चे 12 से 14 दिन के अंदर, ये तकरीबन कितने फिर एक महीना डेढ़ लग जाता है? अच्छा, महीना डेढ़, यानी कि 1-1.5 महीने में ये तैयार हो जाती है फिंचेस? जी, ये देखें दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन जो है सेटअप। ये देखें दोस्तों, जो जावेद भाई के सेटअप पर इन्होंने माशाल्लाह फिंचेस का जो है कॉलोनी इन्होंने बनाई हुई है, तो कॉलोनी में इस टाइम आप देख सकते हैं शायद एग्स भी मौजूद हैं और चिक्स भी मौजूद हैं। ये देखें ये दोस्तों, इसमें एग्स मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, चिक्स भी मौजूद हैं तकरीबन इस टाइम इनके पास 50-60 प्लस जो है इनके पास यहाँ पर फिंचेस मौजूद हैं और इन्होंने ये कॉलोनी में आप देख सकते हैं ये जो मटके वगैरह लगाया हुआ है बहुत ही बेहतरीन सेटअप किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर एग्स इस टाइम मौजूद हैं, एक फिंचेस एट अ टाइम में तकरीबन 2 या 4 एग्स जो है वो ले करती है, तो 6 से 7 किस्म की वैराइटीज़ के जो फिंचेस इनके पास मौजूद हैं।
चलो बढ़िया। ठीक है जावेद भाई, बहुत मेहरबानी आपकी। ये दोस्तों हम जावेद भाई से मिले हैं, तो इनके सेटअप का मैंने आपको विज़िट करवाया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल बर्ड्स एंड एनिमल लॉफ्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन